एक नई परिस्थिति उभरी है कि मणिपुर के अंदर एक वीडियो वायरल हुआ, उस वीडियो के अंदर जो भी कुछ हुआ उससे देश में बड़ा उफान मचा हुआ है, संसद में भी है। वो वीडियो आखिर जिस दिन पार्लियामेंट शुरू होनी थी उस दिन आया, कभी कभी लगता है कि बहुत डिजाइन करके आया। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मणिपुर के बारे में चर्च का क्या रोल है, चाइना का क्या रोल है, भारत के अंदर जो इस सरकार के या सनातन विरोधी ताकतें हैं उनका क्या रोल है, उस पर एक लंबी चर्चा हुई थी। लेकिन जिस तरीके से मणिपुर को पूरे देश में एक माहौल बनाया जा रहा है, और जहां तक हम देख पा रहे हैं कि कुछ लोगों को लगता है कि ये एक ऐसा मुद्दा मिल गया उन्हें कि इसको निर्भया कांड की तरीके से लोगों के बीच में रखें, क्योंकि कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि देश के कुछ रेसलर थे, महिलाएं, उनके मुद्दे को बहुत कोशिश की, फिर वो सबसाइड हो गया। अब इस मुद्दे को बुनाने की कोशिश की जा रही है और मुद्दा विहीन जो इस वक्त अपोजिशन है उसको शायद लगता है कि कोई संजीवनी मिल गई है। तो आखिर ये वीडियो यकायक क्यों आया और पार्लियामेंट के पहले सेशन में क्यों आया, और इस वीडियो में जो दिखाया गया है ये एक पक्ष है, क्या इसके अलावा और दूसरा भी कोई पक्ष है, या इसमें कोई, जैसा कि बार बार आरएसएस सिंह साहब कहते हैं कि ये जो विदेशी महिला है, जब से ये भारत आई तब से गांधी परिवार में संजय गांधी की मौत हुई, इंदिरा गांधी की मौत हुई, राजीव गांधी की मौत हुई, वाड्रा परिवार के लोगों की मौत हुई, माधवराव सिंधिया की मौत हुई, पायलट साहब की मौत हुई, तो एक 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 पीछे ये लगता है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। और क्योंकि सत्ता से 10 साल बाहर रहने के बाद हो सकता है कि क्या इसके अंदर कोई नई कॉन्स्पिरेसी है। सिंह साहब, इस वीडियो के पीछे क्या शरारत है? वीडियो में जो हुआ है उस पर सवाल नहीं कर रहे हम लोग, लेकिन ये वीडियो इस तरीके से लाया गया कि जब संसद का पहला सत्र शुरू होना था और वहां से ये बात शुरू हुई, और इसको एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गैल्वनाइज करने की कोशिश की जा रही है, स्प्रेड करने की कोशिश की जा रही है, और इसको मोदी और हिंदुत्व और बीजेपी और सनातन इसके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, आपका क्या कहना है सर? मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात आज छोटी रखूंगा क्योंकि पहले विस्तार से मैंने आपके साथ ये पूरी समस्या पर चर्चा की थी जी। जो कि लोगों ने बड़े अच्छे से उसको समझा और सुना, और मुझे सबसे हर्ष की बात ये है कि जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि ये दुर्घटना, इसको मैं दुर्घटना कहूँगा या जो भी जो कुछ भी हुआ, उससे एक जरूर एक इसका एक पॉजिटिव पहलू हम कहे सकारात्मक पहलू, कि पहली बार मैं देख रहा हूं कि नॉर्थ ईस्ट के बारे में एक आम आदमी के बीच में इतनी चर्चा हो रही। वरना मुझे याद है कि मैं जब आर्मी में कमीशन हुआ था तो मेरे एक मित्र भी थे, हम लोग 6-7 लोग बिहार रेजिमेंट एक साथ ज्वाइन किए थे, तो उनमें से एक ऑफिसर जो था वो मणिपुर का था, और उसने मुझे कहा कि मेरे पिताजी ने कहा है, ये मैं